हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 11th मैथमेटिक्स क्लास में। तो स्टूडेंट अपना चल रहा है थर्ड चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन हमने कर लिए थे 19 3.3 के। आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन करने से पहले एक बार फिर वही की सजेशन करूँगा कि प्लीज़ डेली मेडिटेट कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा 10 से 20 मिनट के। तो उससे क्या है, माइंड अपना जो ब्रेन है वो मतलब तेज़ होगा, सही काम करेगा। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 20वां है। प्रूव करना इसमें भी कि इसमें कहता है कि प्रूव दैट साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स अपॉन में साइन स्क्वेयर एक्स माइनस को स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 2 sin x। बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है जो जैसे हम करते आ रहे थे। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ क्या है, अपना फॉर्मूला इसमें साइन सी माइनस साइन डी का, ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी का यहाँ लगा दो ऊपर वाला। तो साइन सी क्या होता है, टू साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 cos c + d x प्लस डी कितना है 3x अपॉन में 2 इंटू साइन सी माइनस डी एक्स माइनस में सी क्या है x माइनस में d 3x अपॉन 2। समझ में आया ना फॉर्मूला, हमने कर लिए हैं पहले फॉर्मूले अच्छी तरह से। तो और नीचे देखो साइन स्क्वेयर एक्स माइनस कोस स्क्वेयर एक्स, अगर आपको कुछ याद आ रहा है तो कोस 2x का फॉर्मूला होता है कोस 2x इज इक्वल टू क्या होता है कोस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। पर यहाँ क्या है, उल्टा हो गया, कोस है वो नेगेटिव है, साइन है वो पॉजिटिव है। तो क्या करें, माइनस का साइन ले लें कॉमन, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो गया अपना कोस स्क्वेयर एक्स माइनस का साइन स्क्वेयर एक्स। ठीक, अब ऊपर वाले को करें 2 cos कितना हो जाएगा x और 3x 4x पॉन 2 क्या होगा 2 cos 2x इंटू साइन x माइनस 3 माइनस का 2 अपॉन 2 क्या आ गया माइनस x अपॉन में माइनस का cos 2x। समझ में आया ना, अभी अभी लिखा है हमने cos स्क्वेयर x माइनस साइन स्क्वेयर x cos 2x। अब देखो साइन ऑफ नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव साइन एक्स होता है ना, तो ये माइनस बाहर लेंगे क्या माइनस का 2। समझ में आ गया ना, साइन ऑफ नेगेटिव एक्स रीजन लिखेंगे हर एक में, तो 2 cos 2x देखो cos 2x से cos 2x कैंसिल कर ही देना, ठीक है, नेगेटिव आ गया अपने पास में नेगेटिव ऑफ साइन एक्स, क्योंकि साइन ऑफ नेगेटिव एक्स बाहर आएगा अपॉन में माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल होके क्या आ गया 2 sin x आ गया। क्या प्रूव करना है, यही प्रूव करना है आर एच एस। 21वां क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा थोड़ा बता दूंगा मैं, देखिएगा। हाँ जी, 21वां क्वेश्चन दिख रहा है क्या है, कोस प्रूव करना है, कोस 4x प्लस कोस 3x प्लस कोस 2x अपॉन साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x इज इक्वल टू कोट 3x। देखो यहाँ पे 3 आ गया, कोस सी प्लस कोस डी पर यहाँ पे 3 आ गए, तो 3 में से दो रेशो लेके, दो फंक्शन लेके इनको फॉर्मूला बना लो। कौन कौन सा ले, देखो 4x और 3x को लेंगे, कोस सी प्लस कोस डी करेंगे तो सी प्लस डी बाई 2, 4 और 3 7/2 ये क्या आएगा अपॉन में आएगा, तो इसको ना लेके हम क्या करेंगे, या तो इवन इवन लेंगे यानी कि 4x और 2x ले लेंगे, क्योंकि 4 और 2 6, 6 का आधा कितना होता है 3, तो इन दोनों को ले लेंगे। समझ में आ गया, तो cos c प्लस cos d क्या होता है पता है आपको, cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d by 2 into cos c minus d by 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 cos, इन दोनों को लेंगे पहले इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है, एक लाइन और लिखिए तो 2 cos 3x into cos x आ जाएगा और प्लस में cos 3x। इसी तरह से यहाँ साइन 4x और साइन 2x cos c प्लस cos d का बनाएंगे, इन दोनों को लेंगे तो क्या हो गया 2 sin 3x into cos x आ जाएगा, ठीक है, प्लस में क्या रह गया साइन 3x। अब देखो यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, cos 3x कॉमन आता है, यहाँ बचेगा 2 cos x + 1, और यहाँ क्या आता है, यहाँ भी sin 3x कॉमन आता है sin 3x, यहाँ क्या बचेगा, ये चला गया बाहर 2 cos x प्लस sin 3x कॉमन आ गया 1, इससे ये कैंसिल होके cos 3x अपॉन में sin 3x क्या आ जाएगा cot 3x। होप आपको समझ में आया है, ठीक है, अब आगे वाला देखते हैं।
आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, अभी देखते हैं 22nd क्वेश्चन, 22वां। ठीक है, 22वें में हमें प्रूव करना है कि कोट एक्स कोट टू एक्स माइनस कोट टू एक्स कोट थ्री एक्स माइनस कोट थ्री एक्स कोट एक्स इज इक्वल टू वन, ये प्रूव करना है। ठीक है, अभी कुछ डिस्टर्बेंस आ गई एक बार। हाँ जी, 22वां क्वेश्चन ये है, प्रूव करना था वो। देखो, कोट एक्स कोट टू एक्स कोट टू एक्स कोट थ्री एक्स कोट थ्री एक्स कोट एक्स, इसको बंद करना है। एक्स भी है, टू एक्स भी है, तो अगर ये साइड लेके करेंगे तो नहीं होगा, इसकी जगह टेन के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स भी है, टू एक्स है, थ्री एक्स है, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमने फॉर्मूला किया था ना कोट थ्री एक्स का, या कोट टू एक्स का, या कोट एक्स प्लस वाई का, ये किया था हमने। तो देखो क्या भी कोट थ्री एक्स क्या होता है, कोट टू एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, कोट थ्री एक्स है, होता है कि नहीं होता है। इन दोनों को अगर ऐड करें तो यहाँ कोट एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बना दो। फॉर्मूला क्या होता है, कोट एक्स प्लस वाई क्या होता है, कोट एक्स या कोट वाई लेते हैं, कोट वाई कोट एक्स माइनस वन अपॉन में कोट वाई प्लस कोट एक्स। ठीक है, क्या है देख, हाँ जी होता है ना फॉर्मूला, तो ये आ गया। तो दोनों साइड को बराबर लेके चलेंगे, वी नो दैट, वी नो दैट, तो इम्प्लाइज दैट हम क्या कर देंगे, कोट टू एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, कोट थ्री एक्स के इक्वल है। अब यहाँ कोट एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगाया, क्या होता है, कोट वाई कोट टू एक्स इंटू कोट वाई, एक्स या टू एक्स है की बात है, कोट एक्स माइनस वन अपोन में कोट एक्स, कोट वाई पहले लिखना, ठीक है, कोट एक्स प्लस कोट वाई की जगह क्या आ गया, टू एक्स है ना यहाँ, ठीक है, इक्वल लेके चलेंगे कोट थ्री एक्स। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या रह गया, कोट टू एक्स कोट एक्स माइनस वन, कोट थ्री एक्स से किया तो क्या हो गया, कोट कोट थ्री एक्स का मल्टीप्लाई किसके साथ है, कोट एक्स का, कोट थ्री एक्स का किसके साथ है, टू एक्स के साथ, तो कोट थ्री एक्स कोट टू एक्स, क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है। अब देखो इस तरफ क्या है, सारे कोट कोट है, तो कोट कोट सारा इधर उठा लाएंगे और वन इधर ले जाएंगे। ठीक है, ये सारे इधर आ जाएंगे, तो कोट टू एक्स कोट एक्स ये तो इधर जाएगा, ये इधर आके क्या होगा, कोट थ्री एक्स कोट एक्स, ये इधर आके माइनस का होएगा ना, और ये भी इधर आके क्या हो गया, माइनस का, कोट थ्री एक्स कोट टू एक्स, और ये इधर आके क्या हो गया, वन। देखो प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, कोट एक्स कोट टू एक्स कोट एक्स कोट टू एक्स, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, कोट टू एक्स कोट थ्री एक्स माइनस का है ना, कोट थ्री एक्स कोट एक्स माइनस का, ठीक है, तो हैंस प्रूव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, 23वां है कि प्रूव करना है टेन फोर एक्स इज इक्वल टू फोर टेन एक्स इंटू वन माइनस टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन में वन माइनस सिक्स टेन स्क्वेयर एक्स प्लस में टेन रेज टू द पावर फोर एक्स। ठीक, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पहले किया था, इसके दो टुकड़े कर लो, टू एक्स कर लो, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम टेन टू एक्स प्लस टू एक्स, ऐसे भी कर सकते हैं टेन ए प्लस बी का, या फिर टेन टू एक्स का दूसरा फॉर्मूला बना लो। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, टेन फोर एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो टेन टू एक्स का फॉर्मूला ध्यान है ना, टू एक्स का क्या होता है, टू टेन एक्स अपॉन में वन माइनस टेन स्क्वेयर एक्स, ध्यान है, ध्यान है ना, तो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं टेन टू इंटू टू एक्स टेन फोर एक्स का। अब टू, अब इसे एक्स मान लेंगे, टेन टू एक्स का, यानी कि एक्स की जगह क्या हो गया अपने पास में, टू एक्स हो गया, तो टेन टू टू ये इसकी जगह आ गया, तो टेन टू का फॉर्मूला बना देंगे, क्या होता है, टू यहाँ आ गया, टू टेन एक्स, एक्स की जगह क्या है, टू एक्स,
अपॉन में वन माइनस टेन स्क्वेयर एक्स की जगह क्या है टू एक्स। क्लियर हुआ? एक बार फिर से ये फॉर्मूला बन जाएगा, देखो टेन टू का फिर से फॉर्मूला बन जाएगा क्या, टू इंटू टू टेन एक्स, टेन टू एक्स है अभी लिखा था हमने, क्या होता है टू टेन एक्स अपॉन में वन माइनस टेन स्क्वेयर एक्स होता है ना। तो टू आगे आ गया, एक टू पहले से था, टू एक्स का फॉर्मूला किया तो टू आगे आ गया, टू टेन एक्स अपॉन में वन माइनस टेन स्क्वेयर टू एक्स है, तो हम इसे लिख सकते हैं टेन टू एक्स का स्क्वेयर। ठीक है, आगे वाले स्टेप में इसको सोल्व कर देंगे। टेन टू एक्स का फॉर्मूला लगा दिया क्या, टू टेन एक्स अपॉन में वन माइनस टेन स्क्वेयर एक्स, अब इसे कर देंगे सोल्व। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया टू टू जा फोर टेन एक्स अपॉन में वन माइनस, इसका भी स्क्वेयर है क्या, दो का स्क्वेयर चार टेन स्क्वेयर एक्स, और नीचे वाले का भी स्क्वेयर है, नीचे वाला फॉर्मूला बन गया देखो, या फिर इसका स्क्वेयर डाल दो, यहाँ पे किसका प्रूव करने वाला है, वन माइनस टेन स्क्वेयर एक्स है, तो अपॉन में वन माइनस टेन स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो बट्टा मैन बट्टा ये है, इसके नीचे ये है, तो यहाँ इसको सोल्व करेंगे, तो इसे सोल्व करें तो एलसीएम लेंगे, फोर टेन एक्स अपॉन में एलसीएम लिया तो आ गया वन माइनस टेन स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर आ गया, और वन के साथ क्या हो गया वन माइनस टेन स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर माइनस में फोर टेन स्क्वेयर एक्स। ठीक है, अब देखो बट्टा के नीचे बट्टा है ऊपर, ये नीचे वाली नंबर है वो पलट के चेंज होगी, क्या आ जाएगी अपने पास में फोर टेन एक्स अपॉन में, साथ के साथ इसे सोल्व कर दूं क्या मैं, चलो पढ़ा एक बार, वन माइनस टेन स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर माइनस में फोर टेन स्क्वेयर एक्स, और ये बट्टे के नीचे बट्टा है तो नीचे वाली पलट के गुणा होगी, क्या हो जाएगी वन माइनस टेन स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर, ये चीज़ तो आ गई, टेन स्क्वेयर एक्स होगा क्या, ये देख लेते हैं बुक में, समझ में आ गया आपको। अब इसे सोल्व कर लेते हैं हम, एक मिनट अभी मैं बताता हूँ आपको जल्दी में। देखो यहाँ एक स्क्वेयर करना था, गलती से रह गया, हमने इसको लिखा था टू इंटू टू टेन एक्स करके ये फॉर्मूला बनाया, ये बन गया यानी कि टू टेन टू एक्स अपॉन में वन माइनस, अब टेन स्क्वेयर टू एक्स को लिखा जा सकता है टेन टू एक्स पूरे का स्क्वेयर। अब देखो यहाँ फिर से फॉर्मूला बन रहा है और यहाँ फिर से फॉर्मूला बन रहा है, तो ये टू तो है ही है, टेन टू एक्स को यहाँ कर दिया, क्या होता है टू टेन एक्स बट्टे में वन माइनस टेन स्क्वेयर एक्स, ये किसको सोल्व किया हमने, न्यूमरेटर को किया। ठीक है, और अब आते हैं नीचे, तो वन का वन माइनस टेन टू एक्स का यहाँ फिर फॉर्मूला बना दिया, क्या होता है टेन टू एक्स का टू टेन एक्स अपॉन में वन माइनस टेन स्क्वेयर एक्स। ठीक है जी, अब इसको सोल्व करते हैं, टू इंटू टू क्या हो गया फोर टेन एक्स अपॉन में वन माइनस टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन में, देखो इसका बटा कुछ भी नहीं है तो वन है, हमने एलसीएम लिया क्या आ गया ये सारा, ये वाला एलसीएम आ जाएगा क्योंकि देखें तो इन दोनों का स्क्वेयर है, इसका भी स्क्वेयर है और नीचे वाले का भी स्क्वेयर है, हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया अपने पास में वन माइनस टेन स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर अपॉन में वन है, तो पूरे एलसीएम की इसके साथ मल्टीप्लाई किया वन माइनस टेन स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर माइनस में, इसका स्क्वेयर ओपन किया तो क्या हो गया ये फोर टू का फोर फोर टेन का स्क्वेयर टेन स्क्वेयर एक्स हो गया। ठीक, अब बटे के नीचे बटा है तो नीचे वाले इस नंबर को पलट के मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो नीचे वाले को पलट के मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा फोर टेन एक्स अपॉन में क्या है वन माइनस टेन स्क्वेयर एक्स, मल्टीप्लाई पलट के किया तो ये आ गया वन माइनस टेन स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर, स्क्वेयर है ना इसका अपॉन में, साथ के साथ इसको ओपन कर दें क्या या फिर बाद में, वन माइनस टेन स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर माइनस में फोर टेन स्क्वेयर एक्स। ठीक है, अब जो आ रहा है अपना वो आ रहा है टेन का पावर एक है इसका दो है, स्क्वेयर से ये कैंसिल हो गया, क्या बचा अपने पास में फोर टेन एक्स अपॉन में, देखो ए माइनस बी का फॉर्मूला है, ए माइनस बी का स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, टेन की पावर है चार एक्स
माइनस टू ए बी, टू ए बी का मतलब दो गुणा ए कितना है आपका, टेन स्क्वेयर का स्क्वेयर ये हो गया टू ए बी, तो टू ए बी टू इंटू ए वन है और ये आ गया टू टेन स्क्वेयर एक्स माइनस का सिक्स, सॉरी माइनस का ये, इसका तो हमने कर दिया टू ए बी माइनस का फोर टेन स्क्वेयर एक्स, ठीक है, फोर टेन एक्स अपॉन में वन प्लस टेन की पावर सिक्स टेन स्क्वेयर है क्या इसमें, वन प्लस टेन की पावर चार एक्स माइनस टू और माइनस टू माइनस का सिक्स टेन स्क्वेयर एक्स, देखो क्या प्रूव करना है, यही है वन माइनस सिक्स टेन स्क्वेयर एक्स, ठीक है, प्लस में टेन की पावर चार एक्स, आगे पीछे हो गया थोड़ा सा, यही है। अब देखते हैं हम आगे वाला क्वेश्चन, सिंपल है, हाँ जी देखते हैं, कोस की पावर चार एक्स प्रूव करना है, कोस फोर एक्स प्रूव करना है, वन माइनस एट साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, ठीक है, कोस फोर एक्स को क्या लिख सकते हैं, कोस टू इंटू टू एक्स, और कोस टू एक्स का फॉर्मूला ध्यान है, कोस टू एक्स का क्या होता है, कोस स्क्वेयर एक्स माइनस में साइन स्क्वेयर एक्स होता है, तो क्या हो गया, कोस लेफ्ट हैंड साइड ली, कोस स्क्वेयर एक्स की जगह क्या हो गया टू एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, एक्स की जगह क्या है ये आ गया, ठीक है। अब इसे फिर से सोल्व कर लेंगे, वन माइनस ए, वैसे तो इसको साइन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर में कर सकते थे, अब कोस स्क्वेयर टू एक्स है तो एक बार इसका स्क्वेयर अगर हम करें तो इसका स्क्वेयर कर देंगे, या फिर एक तरीका और है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, एक मिनट, हाँ जी देखिए, अब ये हमने कर दिया, यहाँ फिर से फॉर्मूला बनता है क्या, कोस टू एक्स का और साइन टू एक्स का, तो स्क्वेयर है ना, तो कोस टू एक्स का फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कोस स्क्वेयर टू एक्स को कोस, चलो मैं यही लिख देता हूँ, कोस टू एक्स का स्क्वेयर माइनस साइन टू एक्स का स्क्वेयर लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या फॉर्मूला बनेगा, कोस टू एक्स का कोस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स होता है ना कोस टू एक्स का, और इसका क्या है स्क्वेयर है, माइनस साइन टू एक्स का करो क्या होता है टू साइन एक्स कोस एक्स का स्क्वेयर है ना, तो अब देखो कोस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर का स्क्वेयर है, यानी कि ए माइनस बी का स्क्वेयर का फॉर्मूला है, ए माइनस बी पूरे का स्क्वेयर क्या होता है ए स्क्वेयर, यानी कि कोस की पावर चार एक्स प्लस बी साइन स्क्वेयर का स्क्वेयर करेंगे, साइन की पावर चार एक्स माइनस टू ए बी, टू ए बी का मतलब टू कोस स्क्वेयर एक्स साइन स्क्वेयर एक्स, और इसका करेंगे तो क्या हो गया माइनस का, इसका भी स्क्वेयर है टू का स्क्वेयर फोर साइन का साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स, ठीक है। अब देखो हमें प्रूव क्या करना है, अगर ये दिया होता तो टू को स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर और फोर साइन स्क्वेयर सिक्स होता, यहाँ पे एट है पर वन बनाना है, वन बनाना है तो वन कैसे बनेगा, वन बनेगा जब अपने पास में कोस स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स हो, तो इसको फॉर्मूला बनाएंगे एक बार फिर से, क्या करेंगे इसमें कुछ प्लस कर देते हैं इतने में, तो क्या है कोस की पावर चार एक्स प्लस साइन की पावर चार एक्स, इसमें क्या कर दें टू साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स, और यही माइनस कर दिया हमने, इतना लिखा टू प्लस और टू माइनस कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस में कर दिया टू साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स, समझ में आ गया, ये हमने खुद से किया है, टू साइन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर एक्स, टू प्लस कर दिया टू माइनस कर दिया, क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, पर अपना क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो हमने यहाँ के बाद में ये अपने पास से प्लस किया, क्या रह गया माइनस का टू कोस स्क्वेयर एक्स साइन स्क्वेयर एक्स माइनस का फोर साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स, इनको सोल्व कर दें तो कितना हो जाएगा माइनस का सिक्स साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर, समझ में आया ना, इनको तो हमने ऐड किया चार और दो छः हो गया, ठीक है, और हमने क्या किया इसमें टू साइन स्क्वेयर एक्स और कोस स्क्वेयर एक्स प्लस किया और टू ही माइनस कर दिया। अब देखो जब इतना इतना देखेंगे ना तो इसे लिख सकते हैं कोस स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर प्लस में टू साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स, माइनस का देखो
साइन स्क्वेयर को स्क्वेयर साइन स्क्वेयर को स्क्वेयर, माइनस का टू माइनस का छः क्या हो गया, माइनस का आठ साइन स्क्वेयर एक्स को स्क्वेयर एक्स। अब देखो ये वाला क्या है, इतना इतना देखोगे तो इतना इतना फॉर्मूला बनता है क्या, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी, ए की जगह क्या है यहाँ पर को स्क्वेयर, बी की जगह साइन स्क्वेयर, तो ये फॉर्मूला बन गया किसका, को स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स पूरे का स्क्वेयर। देखो ये इतना इतना ए ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी, यानी कि ए प्लस बी, यानी कि को ए क्या है को स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर का फॉर्मूला है, और यहाँ तक हो गया, आगे क्या है माइनस का एट साइन स्क्वेयर एक्स को स्क्वेयर एक्स, तो इसका को स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर क्या होता है एक, एक का स्क्वेयर एक ही रहेगा, एक माइनस आठ साइन स्क्वेयर एक्स को स्क्वेयर एक्स, यही प्रूव करना है आर एच एस। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सही है, हाँ जी 25वां क्वेश्चन है टू प्रूव, लिख देता हूँ मैं 25वें में टू प्रूव अपना कोस सिक्स एक्स इक्वल दिखाना है 32 कोस क्रेस टू द पावर 6x माइनस 48 कोस की पावर 4x प्लस का 18, ये प्लस साइन में हो सकता है दिक्कत हो, 18 कोस की कोस स्क्वेयर एक्स माइनस 1 है या प्लस 1 है ये प्रूव करना है, ठीक है। कोस ही कोस है तो देखो दो की टेबल में आ रहा नहीं है, बिकॉज 2x का फॉर्मूला बना सकते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हम इसको लिख सकते हैं कोस 6x इज इक्वल टू कोस 2 इंटू 3x कर सकते हैं ना, अब कोस 2x का फॉर्मूला बना देंगे, और किस में है ये सारा कोस में है तो कोस में कर देंगे, कोस 2x का क्या होता है कोस में ये होता है 2 कोस स्क्वेयर एक्स माइनस 1 होता है ना, तो क्या हो जाएगा 2 ये हो गया 2 कोस स्क्वेयर एक्स की जगह क्या है 3x माइनस 1, ठीक है। अब 2 इसका मतलब क्या है कोस 3x का स्क्वेयर माइनस 1, अब यहाँ इस फॉर्मूले को ओपन करना है कोस 3x का क्या होता है 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स, तो ये होता है 2 इंटू 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स का स्क्वेयर माइनस 1, अब इसे सोल्व करना है जी, ठीक है। पहले तो इससे सोल्व करेंगे 2 ए माइनस बी का स्क्वेयर है, तो ए स्क्वेयर 4 का स्क्वेयर कितना हो गया 16, बी स्क्वेयर कोस 3x का स्क्वेयर करेंगे, यानी कि कोस की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर देखोगे तो आपने पूरा करना है जी, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर यानी कि 3 का स्क्वेयर 9 कोस स्क्वेयर एक्स माइनस है क्या माइनस 2ab 2 इंटू ए कितना है ये इंटू बी, तो दो दो चौके आठ ये 24 कोस, कोस का कोस से करेंगे 2ab कोस का कोस से करेंगे पावर ऐड हो जाएगी ना, 3 यहाँ पर है एक यहाँ पर है कितनी होगी 4 होगी, तो कोस की पावर 4x ए स्क्वेयर ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab हो गया स्क्वेयर हल, आगे क्या है माइनस 1, दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 दूनी 32 कोस की पावर कितनी होगी 6x 9 दूनी 18 प्लस का कोस स्क्वेयर एक्स, और दो से करेंगे तो 24 दूना 48 कोस की पावर 4x माइनस 1 ये है, ठीक है। देखो माइनस का 48 तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सुनवाए होंगे होप आपको सुनवाए हैं, ना सुनवाए तो आप कॉल कर दें मैसेज कर दें कुछ भी कर दें, कोशिश करेंगे करवाएं आपको। तो यहाँ होती है अपनी एक्सरसाइज समाप्त, आगे के एक्सरसाइज के लिए देखते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पेरेंट्स को हाथ बंटाइएगा, ओके जी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।